ये लीजिए अंकल। तुम लो बेटी, इस बार हम। और ये तुम। ये लो। मम्मी ये देखो, ये शैतानी कर रही है। अब नहीं करेगी, दे दो। नहीं दे, पहले तुम खाओ। हैप्पी बर्थडे मिट्टी। अब मेरा गिफ्ट दो। दे रहा बाबा, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। अभी आया तुम्हारा गिफ्ट। टेन टेन हैप्पी बर्थडे मिट्टी। ठीक है बस भैया। मम्मी देखो ना, दे दो ना, शैतानी क्यों कर रहे हो। अच्छा खाली है। नहीं नहीं रुको, आ रहा है आ रहा है आ रहा है तुम्हारा गिफ्ट। आया 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 आया। टेन टेन हैप्पी बर्थडे मिट्टी। थैंक यू भैया। अब खोल के देखो तो क्या है इसमें। अभी हाँ हाँ अभी खोल के देख ली। सागर का क्या भरोसा, नहीं तो बाद में पता चला डब्बा के अंदर टैन टैन है। नहीं अंकल, सागर भैया मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या अंकल, आप भी तुम अभी खोल के देखो मिट्टी। अरे जाने भी दे। अरे नहीं माँ, आज के दिन इतनी बड़ी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम खोलो मिट्टी, खोल के देखो। हाँ अभी खोलिए मिट्टी दी। हाँ मिट्टी दी, खोलिए खोलिए। मैं कुछ लेकर आती हूँ। नहीं माँ बैठो ना दो मिनट, तुम भी देख के जाओ क्या गिफ्ट दिए है, गवाह बनना तुम भी। सागर तो कमाल कर दिया। कितने का है? 16,500 का है अंकल। मिट्टी, इससे तेरा फोटो बहुत सुंदर आएगा। इसका कैमरा बहुत ही अच्छा है। क्या हुआ मिट्टी? क्या हुआ मिट्टी? तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया? पसंद आया भैया, बहुत पसंद आया। तो फिर क्या हुआ तुझे? ये चाइनीज है। तो विशाल भैया लद्दाख बॉर्डर पर हैं और बॉर्डर के उस पार चीनी सैनिकों के हथियार के पैसे इन्हीं सब से तो जाते हैं। विश्वास करो बेटी, मैंने दूसरा खोजा था, लेकिन इतने कम पैसे में इतना ज़्यादा फ्यूचर वाला कोई इंडियन फ़ोन मार्केट में है ही नहीं। दुकान वाले बता रहे थे कि ऐसा फ़ोन आने में कम से कम एक साल लग जाएगा। दो साल लग जाए, मर तो नहीं जाएंगे, इंतज़ार कर लेंगे। और पुराना फ़ोन तो है, उससे काम चला लेंगे, लेकिन मेड इन चाइना नहीं लेंगे। लेकिन पुराना वाला भी तो चाइनीज ही है ना? हाँ है, लेकिन अभी उसका कर क्या सकते हैं? मिठी, हम बहुत लोगों को देखे हैं कि चाइनीज समाज तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, हम लोग भी उसको तोड़ देंगे, जला देंगे। भैया, तोड़ देने या जला देने से क्या होगा? जो पैसा चीन चला गया,
वो वापस तो नहीं देगा? और जो खरीद लिया उसको जलाना या तोड़ना बुद्धिमानी तो नहीं है? पुराने फोन से सारे चाइनीज ऐप हटा लेंगे और आगे से कोई भी मेड इन चाइना नहीं खरीदेंगे। थोड़ी तकलीफ होगी, पर विशाल भैया इस देश के लिए बॉर्डर पर कितनी तकलीफ सहते हैं, कुर्बानी देते हैं। तो क्या हम थोड़ी सी सहूलियत कुर्बान नहीं कर सकते हैं? इसे वापस कर दो भैया। मीठी ठीक बोल रही है। भाई साहब, आज से मेरे घर में एक नहीं दो दो फौजी हैं। वाह माँ, और मुझे भूल गई ना? नहीं बेटा। अच्छा कोई बात नहीं माँ, तीन के खिलाफ इस जंग में हम सब फौजी हैं।